मॉनसून आते ही कई राज्यों में तबाही शुरू। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, असम में लाखों लोग प्रभावित। दिल्ली मुंबई में जलजमाव बनी मुसीबत। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल, गुजरात से लेकर मेघालय तक भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 25 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति, तो कई जगह लैंडस्लाइड के चलते रास्ते कटे, लोग फंसे। हिमाचल की मंडी में भारी बारिश से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। जाम की वजह से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग बंद कर दिया गया। कुल्लू मनाली की ओर जाने वाला वैकल्पिक मार्ग भी बंद किया गया। कई घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। हिमाचल में बारिश से हाहाकार मच गया। कुल्लू के मुजक में बादल फटा। बादल फटने से बाढ़ आई, 10 गाड़ियां बही। कुल्लू के स्थानीय नाले उफान पर। बादल फटने से अफरातफरी मच गई। करीब 10 गाड़ियां बह गई, हालांकि लोग सुरक्षित हैं। पानी और मलबा आने से वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के मौके पर ना पहुंचने को लेकर गुस्सा किया। लोगों ने खुद ही जेसीबी और क्रेन से गाड़ियों को निकाला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बारिश से भारी जल जमाव। कांगड़ा के टांडा में भारी बारिश के बाद मेडिकल कॉलेज में पानी घुसा। जम्मू कश्मीर के पुंछ से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। मेंढर के हरनी नाले में अचानक बाढ़ आने से एक व्यक्ति बीच बाढ़ में फंस गया। चट्टान के सहारे बीच बाढ़ में फंसे शख्स की मदद के लिए स्थानीय लोग आए। स्थानीय लोगों ने रस्सी और डंडे के सहारे बाढ़ में फंसे शख्स को निकाला। उत्तराखंड में बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर उफान पर झरने और इसकी वजह से केदारनाथ के लिए निकले पैदल यात्री फंसे। फंसे यात्रियों को गौरीकुंड और अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। भारी बारिश के चलते रुकी केदारनाथ यात्रा। उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग में केदारनाथ यात्रा को अगले आदेश तक रोक दिया गया। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उत्तराखंड में बारिश से निपटने की स्थिति की समीक्षा की। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार और बाकी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में दो दिन पहले पहुंचा मॉनसून, ऑरेंज येलो अलर्ट जारी। 28 जून तक दिल्ली एनसीआर में होती रहेगी बारिश। हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा पंजाब में मॉनसून की ओर आगे बढ़ने की संभावना। पंचकुला में एक महिला की कार नदी में बही। अचानक आए पानी में गाड़ी बह गई। स्थानीय लोगों ने महिला को बचा लिया। असम के करीब 16 जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू। बाढ़ का पानी नलबाड़ी जिले में घुसा। नलबाड़ी जिले की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। नलबाड़ी जिले के लाखों लोग प्रभावित हुए। अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए। लोगों के घर, खेत, सड़क सब पानी में डूब गया। मुंबई में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई। कई जगहों पर जल भराव। कुछ सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। मुंबई से बारिश के चलते पिछले दो दिनों में 6 लोगों की मौत। गोवंडी में 2 लोगों की, विरले पार्ले में 2 लोगों की और घाटकोपर में भी 2 लोगों की मौत। मुंबई के घाटकोपर में हुए बिल्डिंग हादसे में 21 घंटे बाद 2 शव निकाले गए। कल भारी बारिश के चलते एक बिल्डिंग ढह गई। घाटकोपर में कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में दबे 2 शवों को आज निकाला जा सका है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। कल सुबह करीब 9 बजे मुंबई में हो रही भारी बारिश के चलते इमारत का हिस्सा ढह गया। एनडीआरएफ की टीम ने तीसरी मंजिल पर फंसे 2 लोगों को बचा लिया था, पर 2 लोग मलबे में दब गए थे। घाटकोपर के अलावा मुंबई के विलेपार्ले में भी बारिश का कहर। विलेपार्ले इलाके में नानावती बिल्डिंग के करीब इमारत का हिस्सा गिरा है। हादसे में 2 की मौत। बिल्डिंग हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के बाद जर्जर छज्जा परिवार के पति पत्नी पर गिर गया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश। रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट। पालघर, मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ओडिशा में बारिश की चेतावनी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पीपा पुल का एक क्षतिग्रस्त हिस्सा हो गया है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। प्रशासन ने बागमती नदी के जलस्तर की बढ़ोतरी को देखते हुए सभी नाव मालिकों के साथ अग्रीमेंट किया। अधिकारियों ने कहा क्षतिग्रस्त बांधों की जांच की गई। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई सड़कें जलमग्न। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पानी भरा। दिल्ली में बेखौफ लुटेरों की तस्वीरें कैंप में कैद। दिल्ली के व्यस्त माने जाने वाले प्रगति मैदान के टनल में लुटेरों ने हथियारों के बल पर डिलीवरी एजेंट से रकम लूटी।
डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करने वाले एक बैग में कैश लेकर गुड़गांव जा रहे थे। इसी दौरान टनल के अंदर ही बाइक सवार बदमाशों ने कार रोक ली। टनल के अंदर पुलिस को चुनौती देते हुए बदमाशों ने लूटपाट की। पुलिस जांच में जुटी। हेलमेट पहनकर लूटपाट करने वाले बदमाशों को पकड़ने की कोशिशें तेज। प्रगति मैदान में हुई लूट पर अरविंद केजरीवाल ने एलजी को घेरा। ट्वीट कर एलजी का इस्तीफा मांगा। केजरीवाल ने लिखा, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाएं जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दें। हम आपको दिखाएंगे किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाए। दिल्ली में बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी। डीएआरसी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। लगभग 10% तक की महंगी हुई है दिल्ली में बिजली। बिजली कंपनी BYPL ने 9.42%, BRPL ने 6.39% की बढ़ोतरी की। बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा बयान। कहा, बढ़े बिजली के दाम से उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा सीधा असर। यूपी में आज से आपका बत्ती गुल अभियान। बिजली कटौती, महंगी बिजली के विरोध में आप निकालेगी लालटेन जुलूस। बत्ती गुल अभियान के तहत आप कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बत्ती गुल का वीडियो बनाने की अपील करेंगे। ट्वीट पर लोगों को जागरूक करेंगे। जुलूस से पहले आप नेता संजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार को बिजली के मुद्दे पर घेरा। कहा, यूपी के सीएम कहते हैं कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली आ रही है, जबकि सच्चाई यह है कि कस्बों में 12-12 घंटे बिजली गायब है। संजय सिंह ने कहा, विद्युत उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2030 में संशोधन कर नया कानून लाने जा रही है केंद्र सरकार। पीएम मोदी से मिले अमित शाह। मणिपुर हिंसा को लेकर मौजूदा हालात की शाह ने जानकारी दी। पिछले 55 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर। शनिवार को शाह ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। इस बैठक में विपक्ष ने सीएम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग की। विदेश यात्रा से वापस लौटे पीएम मोदी। नड्डा समेत दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों ने किया ग्रैंड वेलकम। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली में पार्टी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा, सांसद हर्षवर्धन समेत कई सांसदों ने पीएम का स्वागत किया। 6 दिन बाद अमेरिका इजिप्ट यात्रा से लौटे पीएम मोदी। बीजेपी ने अमेरिका और मिस्र यात्रा को बताया ऐतिहासिक। पीएम ने अमेरिका में कई बिजनेस डील की। बाइडेन ने जारी किया मोदी की राजकीय यात्रा का वीडियो। ट्वीट कर लिखा, अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण। बाइडेन ने पीएम मोदी से खास मुलाकात के जो पल थे इस वीडियो में शेयर किए। कहा, हमारी दोस्ती पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन के ट्वीट पर पीएम मोदी ने जवाब दिया। कहा, भारत यूएस की दोस्ती वैश्विक भलाई की ताकत है, ये धरती को और बेहतर बनाएगी। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर का बयान। कहा, भारत अविश्वसनीय रूप से एक बहुलवादी देश है। जॉनी मूर ने कहा, पीएम अमेरिका आए, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को एक साथ लाए, यही लोकतंत्र का जादू है। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी रोहनिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। जनसभा में सरकार की योजनाओं का लाभार्थी भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी काशी के मशहूर लंगड़ा आम के लिए तैयार कार्गो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन। पुलवामा, कुलगाम, शोपियां समेत 7 जिलों में एनआईए ने रेड मारी। आतंकियों का साथ देने वालों पर एनआईए ने छापेमारी की। ओडिशा के गंजम में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ। 2 बसों की टक्कर में 10 लोगों की मौत, कई लोग घायल। रायगढ़ से भुवनेश्वर जा रही एक बस खेमुंडी कॉलेज के पास एक सरकारी बस के साथ टकरा गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को फौरन स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दुख जताया। मृतकों के परिवार के लिए 3-3 लाख की मुआवजे की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स अब्यूज डे के मौके पर नशा मुक्त भारत अभियान। केंद्र सरकार की पहल पर दिल्ली पुलिस ने 15,000 किलो का ड्रग्स नष्ट किया। दिल्ली पुलिस की ड्रग्स पेडलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पुलिस की अलग अलग यूनिट ने अलग अलग ड्रग्स की खेप पकड़कर नष्ट किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने विश्व नशा विरोधी दिवस समारोह में हिस्सा लिया। वॉकथॉन को दिखाई हरी झंडी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रही नदिया में बीजेपी विधायक के परिवार पर हमला। कृष्णगंज इलाके में भाजपा विधायक मुकुटमणि अधिकारी के परिवार पर हमले का आरोप है। टीएमसी कर्मियों पर यह आरोप लगा। बांका के बाराहाट में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा। फैक्ट्री से हथियार बनाने के उपकरण और कई बनाए जा रहे हथियार बरामद किए गए। हथियारों के साथ झारखंड के परवेज अंसारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस भी बनाए जा रहे हथियारों को देखकर हैरान रह गई। पुरानी दिल्ली के लालकुआं बाजार में तारों में आग लगी। धीरे धीरे ये आग एक भवन पर पहुंची। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। सीरिया के इदबिल पर रूस ने एयर स्ट्राइक की। रूस के बड़े हवाई हमले में 9 की मौत, दर्जनों लोग घायल।
रूस ने विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाकों में हमला किया। ईद उल जुहा से पहले रूस का यह दूसरा अटैक है। एएफपी के मुताबिक रूस ने हमला ड्रोन से किया। हमला इतना घातक था कि आसपास का पूरा इलाका बर्बाद हो गया। जिस जगह अटैक हुआ वो बहुत बड़ा बाजार था। मॉस्को के पास पटाखे ले जा रहे ट्रक में भीषण आग लगी, ट्रक जलकर खाक हुआ। चीन में बाढ़ से हाहाकार, चीन के क्यूझोउ शहर में लगातार बारिश और बाढ़ से इमरजेंसी। अमेरिका के डेनवर की भयंकर तूफान की तस्वीरें सामने, तूफान में गोल्फ की गेंद के आकार के गोले गिरे। रूस के बोरोनिश में एक ईंधन डिपो में विस्फोट से आग लगी, आग इतनी भीषण थी 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों को आग बुझाने में कई घंटे लग गए। स्पेन में विगो हवाई अड्डे के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, प्रदर्शनकारियों ने बेहतर काम की परिस्थितियों की मांग करते हुए एयरपोर्ट के पास जाम लगा दिया। भुगतान गारंटी की मांग को लेकर हॉलीवुड लेखकों ने न्यूयॉर्क में निकाली रैली, लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर भुगतान गारंटी की मांग की। इंटरनेशनल मोटर शो का विरोध करने वाले कार्यकर्ता की सजा पर भड़के जलवायु कार्यकर्ता, बैनर पोस्टर लेकर जर्मनी के म्यूनिख में जलवायु कार्यकर्ताओं ने मार्च किया। देश को कल मिलेगी 5 वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश से वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। 5 वंदे भारत ट्रेन शुरू होने के बाद देश में कुल वंदे भारत की संख्या 23 हो जाएगी। देश को जल्द मिलेगी पहली अंडर वाटर रेल रोड टनल, इस टनल का निर्माण असम में किया जाएगा। प्रभास और अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के में कमल हसन भी नजर आएंगे, फिल्म में विलन के किरदार में दिखेंगे कमल हसन। प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रफ्तार धीमी, फिल्म ने 10 दिन में 274 करोड़ का कलेक्शन किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शहनाज गिल का न्यू सॉन्ग, इसका पोस्टर आउट हुआ, सॉन्ग 3 जुलाई को रिलीज होगा। एक्ट्रेस सारा अली खान इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर दर्शन करने पहुंची, सारा अली खान ने मंदिर की तस्वीरें अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर की। एक्ट्रेस सविका गौर की डेब्यू फिल्म 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट सिनेमाघरों में रिलीज हुई, फिल्म ने 3 दिन में करीब 10 करोड़ का बिजनेस किया। फेमस टीवी शो देवों के देव महादेव एक्टर मोहित रैना ने शेयर की 3 महीने की बेटी की तस्वीर। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की स्टारर फिल्म सत्यप्रेम की कथा की प्रमोशन में बिजी हैं, दोनों का इंडिगो एयरलाइन की इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते वीडियो वायरल हुआ। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और अमिताभ बच्चन की नाती अगस्त्या नंदा के साथ हुई स्पॉट, दोनों अपनी डेब्यू फिल्म दार चीज में साथ नजर आएंगे।